हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सार्थक ड्राइवर। तो अभी रात के बजने वाले हैं 12 और आज है 5 मार्च। 5 मार्च को होता है मेरा बर्थडे। तो वैसे तो मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करती, बट थोड़ा सा छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपी होती हैं। तो ये छोटा सा एक केक लेके आए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है। तो कभी मैंने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया, ये सेकेंड टाइम इन्हीं के साथ मन रहा है। और शादी से पहले तो कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। शादी के बाद पहले साल में किया था, अब ये 6 साल हो जाएंगी। तो आज करने जा रहे हैं, वो भी मैं कर रही हूँ ब्लॉग की वजह से। आ जाओ जल्दी से। ये छोटा सा प्यारा सा केक यहाँ पर मेरे लिए सरप्राइज। सार्थक सो गया है क्योंकि सार्थक ने पहले ही केक खा लिया, और मेरे को विश भी किया भी होता, जाकर होता तो बहुत अच्छे से करता। उसको उठा ले, उठा लेते हैं, मैं उसको पूछ लेती हूँ। पर बिना उसके मुझे नहीं आ रहा ना, मुझे विश करेगा अच्छे से। सार्थक मुन्ना केक काटेगा, केक काटेगा, मम्मी का बर्थडे सार्थक। सार्थक सो गया, कह रही दिन थक जाता है बेचारा क्योंकि मैं ऐसे टाइम नहीं दे पाती हूँ ज़्यादा। तो ये थक गया सो गया, वरना मुझे इसने बस भी किया था, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी से करके कर रहा था। तो यहाँ पर जो ये कैंडल और चाकू, कौन सा चाकू भी तो लेके आए थे आप, ये चाकू कौन सा असली चाकू है? गुम कर दिया उसने, चाकू भी गुम कर दिया। तो ये बहुत छोटा सा है और आप मैं नहीं दिखा रही करो कमरा। हाँ अब मैं पूरी देख रही हूँ अच्छे से। चाकू मैं प्लास्टिक वाला लेके आती हूँ, उससे लोहे वाले से नहीं काटते करके। Happy birthday to you. मैं काट लेती हूँ, थैंक यू। ऐसे काट लेती हूँ इसको, आ जाओ इतनी दूरी है यहाँ से। कट गया केक मेरा और ये बहुत टाइट भी हो गया है। ये लो मुझे तो कैप फोन। फाइनली हमारा हो गया बर्थडे। ऐसे बर्थडे आपने बहुत कम देखे होंगे आज की जनरेशन में, क्योंकि केक मुझे पसंद नहीं है, बहुत कम खाती हूँ मैं केक। खाती क्यों, खाती नहीं हूँ मैं। सार्थक को बहुत केक पसंद है, और ये छोटा सा जो सरप्राइज था मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। सबकी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज यादें बन जाते हैं आगे टाइम तक। और ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैं चाहती हूँ, मैं मतलब दिल से ये चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा मोमेंट, कोई भी ऐसा पल आप मिस ना करें। थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल हो गया, सॉरी। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, हम जाएंगे सोने। थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बाय, गुड नाइट।